जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों में एक न्यूज अपडेट में बताया था कि एनएसई की एक सब्सिडियरी एक्सचेंज के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना विल बी इजी। अगर किसी ने वो वीडियो मिस की हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस न्यूज का आगे का अपडेट ये है कि इनिशियली मार्केट पार्टिसिपेंट्स 8 प्रोमिनेंट यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे और एक फेज मैनर में 50 स्टॉक्स में, जैसे यूएस में ऑलरेडी होता है। 8 कंपनीज के नाम है अमेजॉन, टेस्ला, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूएस स्टॉक्स एनएससी आईएफएससी पर लिस्ट होंगे, जबकि इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स एनएससी आईएफएससी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू रिसिप्ट के फॉर्म में इन स्टॉक्स को खरीद या बेच पाएंगे। फायदा ये है कि इसके लिए यूएस रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की नीड नहीं होगी। इस न्यूज से एनएससी के शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप लोग इस विंडो पर जरूर नजर बनाए रखें। और अगर आप एनएससी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें।